हेलो एवरीवन, आज मैं एक बहुत ही सिंपल और जल्दी से हो जाने वाला मेकअप जो है आपसे शेयर कर रही हूँ। और यहाँ मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ और साथ में कुछ बोल भी रही हूँ। तो सबसे पहले आईब्रो को फिल करने के बाद स्पूली से जो है उसे अच्छे से शेप दे दिया ताकि कुछ भी अनइवन ना लगे, बाल अजीब से। इसके बाद हम जो है एक्चुअली वो हवा चल रही थी तो मेरे फेस पे बहुत सारे बाल आ रहे थे, विच मेक्स मी वेरी अनकम्फर्टेबल। तो अब जो है कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे और ये लैक्मे का कॉम्पैक्ट है। और अब हम इसे हल्का हल्का अपने फेस पर जो है पाउडर करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और पता नहीं मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही थी, आई डोंट नो, बस मैं खुश हूँ शायद इसलिए, क्योंकि लाइफ में बहुत टाइम से मन था कुछ करने का ऐसा, बट कभी किया ही नहीं, आई डोंट नो क्यों, क्या रीज़न था, बट अच्छा लग रहा है। जो भी है, कुछ आगे पीछे का नहीं सोचा, बस जो दिल कर रहा है वो करो लाइफ में, लिव योर लाइफ हैप्पीली। और अब हम यहाँ पर काजल लगा रहे हैं, ये मेबलिन का कलोसल काजल है, आई गॉट, हाँ मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट ये मेबलिन का ही काजल है। तो इसे आपको अपनी वाटर लाइन और ऊपर आँखों की तरफ हल्का हल्का लगाना है, जो अभी मैं लगाऊंगी, ठीक है। तो इसे अच्छे से अपनी आँखों पर लगा लेना है, बहुत ही ध्यान से लगाना है, खुद को हर्ट नहीं करना। मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है यार। हाँ, उसके बाद एक एंगुलर ब्रश से मैं जो है इसे स्मज करने की कोशिश कर रही थी, जो पूरी तरह से ठीक से हो नहीं पाया एक्चुअली, वो पीछे बच्चे आ गए थे तो उन्होंने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था। तो या अब जो है वो सेम जो मतलब काजल होगी उसको रफली आपने आईलाइनर की तरह अप्लाई कर लेना, कोई मतलब ऐसे परफेक्ट शेप या कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, बस रफली अप्लाई कर लो ऊपर एक लाइन की तरह। और फिर किसी भी छोटे ब्रश से, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप अपनी रिंग फिंगर से या किसी भी उससे जो है हल्का हल्का उसे ऐसे रब कर सकते हैं, स्मज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा एक स्मोकी सा इफेक्ट लेकर आता है, बहुत अच्छा लगता है वो। तो एक आँख हमारी कंप्लीट हो चुकी है अब, एज़ यू कैन सी, अभी अच्छे से नहीं पता चल रहा है बट ठीक है, अभी एक आइज़ जो है आपकी कंप्लीट हो, मतलब मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और अब सेम चीज़ जो है हम दूसरी आइज़ के साथ भी करेंगे, ओके। और मैं यहाँ पर पोज मारते हुए एज़ यूजुअल, मैंने दोनों आँखों में जो है काजल अप्लाई कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें लिपस्टिक अप्लाई करनी है, और लिपस्टिक हम यूज़ कर रहे हैं मेबलिन की क्रीमी मैट कलेक्शन में से, आई थिंक शेड इज़ टच ऑफ स्पाइस, ये बहुत ही अच्छा शेड है, आई डोंट नो कैमरा पे इतना अच्छा नहीं दिख रहा बट रियल में बहुत अच्छा है, पिंक मॉव शेड, मतलब बहुत ज़्यादा बोल्ड भी नहीं, न्यूड शेड है वैसे तो, बट काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है। मतलब ये लिपस्टिक ऐसी है कि मैं कभी भी अप्लाई कर सकती हूँ, कभी भी गो टू लिपस्टिक एनी टाइम। और 229 इसका प्राइस है, और फिर भी आपको सस्ती मिल जाएगी ऑनलाइन। टच ऑफ स्पाइस, कुछ मिसिंग लग रहा है, इसी से मैंने ब्लश भी अप्लाई कर लिया, कौन अलग अलग चीज़ें अप्लाई करते रहे, फटाफट ब्लश लगा कर फिंगर से ही उसको या ब्रश से उसको जो है अच्छे से ब्लेंड कर लो। और ये पिंकी पिंकी चिक्स हो गए आपके, सो फ्रेंड्स हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, एवरीडे मेकअप है, बहुत ही सिंपल और इजी है, आप सभी कर सकते हैं। और अब मैंने इयररिंग पहन ली है, कपड़े चेंज कर लिए हैं,
और पर्ल क्लिप लगा ली है जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।